सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस क्या आप भी फ्री फायर को एक एमुलेटर में खेलते हो और आपके पास जो पीसी है वो लो एंड पीसी है, मतलब कि उसका रैम कम है, प्रोसेसर कम है। तो गाइस वैसे मैं आपके साथ कभी ना कभी एमुलेटर में एम स्टक का प्रॉब्लम तो होता ही होगा। जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में हूँ, यहाँ पर आपको जो गोला दिख रहा है इसको एम बोलते हैं। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर के साइड ड्रैग कर रहा हूँ ये इजिली ड्रैग हो रहा है, मतलब कि फायर करते हुए इजिली ड्रैग हो रहा है, लेकिन जैसे ही एम स्टक का प्रॉब्लम शुरू होता है ये ऊपर के साइड जाता ही नहीं है, मतलब एम जो है स्टक हो जाता है, एकदम अटक जाता है। तो आज की इस वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि एमुलेटर में एम स्टक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। चाहे आप कोई सा भी एमुलेटर यूज करते हो, चाहे आप ब्लू स्टैक में खेलते हो फ्री फायर, या फिर पोनिक्स ओएस, या फिर स्मार्ट गागा, या फिर आप मेमो प्लेयर, एलडी प्लेयर, या फिर एमएसआईए प्लेयर, चाहे कोई सा भी एमुलेटर में खेलते हो, इस वीडियो को देखने के बाद भी इसमें आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं उस सॉल्यूशन से लगभग सभी एमुलेटर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, और अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। Zombie Apocalypse. सो अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सामने जो इनेमी है उसको मैं नॉर्मली फायर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एम है ये ऊपर के से ड्रैग भी हो रहा है और फायर भी हो रहा है, लेकिन जैसे एम स्टक होने लगता है, मतलब कि एम अटक जाता है, तो वैसे में फायर होना बंद हो जाता है और एम एक जगह रुक जाता है, मतलब आप इसको ऊपर के से ड्रैग भी नहीं कर सकते। अगर ड्रैग हो भी जाता है तो फायर नहीं होता, मतलब एक तरीके से एम पूरा रुक जाता है, अटक जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है एम स्टक का प्रॉब्लम है वो एकदम लो एंड एमुलेटर्स में होता है, जैसे कि पोनिक्स ओएस है, स्मार्ट गागा, मीमो प्लेयर, और इसके अलावा एमएसआईए प्लेयर, एलडी प्लेयर, गेम लूप, ऐसे बहुत सारे एमुलेटर है। और ब्लू स्टैक में भी होता है, मतलब कि ब्लू स्टैक 3-4 में तो होता ही है, इसके अलावा ब्लू स्टैक 5 जो अभी का लेटेस्ट वर्जन है इसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो एकदम लो एंड एमुलेटर्स में होता है, मतलब जिसका पीसी एकदम लो एंड रहता है, जिसमें रैम कम होता है, तो ज़्यादातर वैसे पीसी में ही होता है। तो अभी हम जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, वो मैं ब्लू स्टैक 5 में बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू स्टैक में ही वर्क करेगा, आप कोई सा भी एमुलेटर में इसको यूज़ कर सकते हो, ये लगभग सभी एमुलेटर में वर्क करेगा और एकदम इजी सॉल्यूशन है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप कोई सा भी एमुलेटर यूज करते हो तो सबसे पहले उसका की मैपिंग को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर की मैपिंग को सबसे पहले ओपन करना है। की मैपिंग को ओपन करने के बाद आपको जो फायर का बटन दिख रहा है, जहाँ पर हमारा राइट फायर बटन होता है, मैं लेफ्ट फायर बटन की बात नहीं कर रहा, इसको आपको लेफ्ट साइड लेके चले जाना है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसके नीचे का जो बटन रहता है, माउस से टैप करते हैं तो इसमें दो बटन एक साथ मिल जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप इसके ऊपर जो छोटा सा बटन देख रहे हो ये इसको टैप करता है, इसको ऊपर नीचे नहीं ले जाता, इसको सिर्फ टैप करता है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर आप ये वाला जो बटन देख रहे हो एक्स वाई वाला रहता है, एक्स और वाई वाला जो सेंसिटिविटी रहता है, मतलब कि एमुलेटर में जो फायर करने का तरीका होता है वो एक्स और वाई के थ्रू होता है, न कि आप फायर को बटन को ऊपर ले जाते हो। आपके एमुलेटर में अगर एक्स और वाई वाले सेंसिटिविटी है तो उसका बटन यहाँ पर होता है, तो इसी की वजह से मतलब दोनों बटन एक साथ टैप हो जाता है, जिसके वजह से कभी कभी एम स्टक का प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाना है, राइट में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर दो बटन होते हैं जिसके वजह से एमुलेटर में एक साथ टैप हो जाता है। और आपको यहाँ पर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो बटन है उसके वजह से ट्रैक होता है, उसके वजह से ट्रैक नहीं होता, एक्स और वाई वाले सेंसिटिविटी की वजह से ट्रैक होता है, ये आपको मैं पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर आपको जो छोटा सा बटन दिख रहा है इसको बस आपको फायर बटन के ऊपर रखना है, बस आपको इतना ही करना है। इसके अलावा काफी सारे एमुलेटर में थोड़े अलग टाइप के भी एम स्टक प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आप इसको ओपन करते हो उसके बाद एम स्टक होने लगता है, या फिर आप जंप करते हो उसके बाद एम स्टक होने लगता है, मतलब ये ब्लू स्टैक के अलावा सभी एमुलेटर में भी होता है थोड़ा अलग टाइप का एम स्टक। तो इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको जंप के बटन को यहाँ से उठाकर आपको लेफ्ट साइड में लेकर चले जाना है, क्योंकि इसके नीचे वाला जो बटन रहता है ना, मतलब कि ब्लू स्टैक इसके नीचे वाले हिस्से को टैप करता है, तो दोनों बटन एक साथ मतलब टैप हो जाता है, जिसके वजह से एम स्टक होने लगता है। तो वैसे में कि आपको भी इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाना है, अगर स्कोप के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको स्कोप को लेकर चल जाना है। तो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से इसको सॉल्व करके देखो। तो अभी हम जानते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन के बारे में। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये है कि अगर आप ब्लू स्टैक एमुलेटर यूज करते हो तो वैसे में जो की मैपिंग रहता है यहाँ पर स्मार्ट का रहता है, स्टैंडर्ड का रहता है, और एक अपने हिसाब से आप इसको जमा कर रख सकते हो। तो इसमें आपको कभी भी स्मार्ट वाले की मैपिंग को यूज नहीं करना है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा एम स्टक का प्रॉब्लम होता है और कभी कभी जॉयस्टिक स्टक का भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको कभी भी स्मार्ट वाले की मैपिंग को यूज नहीं करना है, आपको इसमें स्टैंडर्ड को यूज करना है, या फिर आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सा जमा लो, लेकिन आपको कभी भी स्मार्ट वाले को यूज नहीं करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चाहे कोई सा भी एमुलेटर यूज करते हो, वैसे में जो बटन रहता है ना, मतलब कि जंप का बटन है, उसके ऊपर जो बटन हम सेट करके रखते हैं वो बटन के ऊपर न रह के उसके नीचे में रह जाता है, जिसके वजह से भी एम स्टक का होता है। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप बटन को मतलब सेट करके रखते हो उसके ऊपर जो प्रेस करने वाला एमुलेटर का बटन रहता है उसको आप एकदम बीचों बीच रखो, मतलब कि उसके एकदम सेंटर में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसके वजह से भी कभी कभी एम स्टक का प्रॉब्लम होता है।
तो अभी आपको मैं सभी सॉल्यूशन बता दिया। आप जो भी एमुलेटर यूज़ करते हो, चाहे कोई सा भी एमुलेटर हो, इन सभी सॉल्यूशन को यूज़ करके एमस्टक के प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद भी आपके साथ एमस्टक का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये परमानेंटली सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आप कुछ देर तक इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो माउस का कर्सर रहता है उसको ऑन या ऑफ करके देखना है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं माउस का कर्सर लेकर आया हूँ, इसको आपको ऑन करना है, फिर आपको ऑफ करना है। बस आपको इतना ही करना है, ये प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये फिर अपने टाइम में जितना देर आता है, मतलब कि आप ज्यादा फायर करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। तो इसके बाद आपको फिर से माउस के कर्सर को ऑन या ऑफ करना है, वैसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं आपको एमुलेटर के एम स्टक प्रॉब्लम का सभी सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपका एम स्टक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको आगे भी फ्री फायर के एमुलेटर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।